नमस्कार दोस्तों, सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 4 अगस्त का करेंट अफेयर। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का था दोस्तों, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए गाम्बिया, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी गिनी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का था दोस्तों, हाल ही में शंघाई कनेप्स के साथ जुड़ने वाले पहले भारतीय बैंक कौन बना है। ऑप्शन नंबर ए ICIC बैंक, ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी PNB बैंक, ऑप्शन नंबर डी SBI बैंक। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाल ही में देवदास कनकाल का निधन हुआ है, वह कौन थे। ऑप्शन नंबर ए लेखक, ऑप्शन नंबर बी गायक, ऑप्शन नंबर सी अभिनेता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अभिनेता। देवदास कंकाल एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का था दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब विश्व का पहला देश बन गया है। ऑप्शन नंबर ए ओमान, ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर डी बहरीन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का था दोस्तों, विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए 1 अगस्त, ऑप्शन नंबर 2 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 3 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 4 अगस्त। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 3 अगस्त। ऑप्शन नंबर सी 3 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस के रूप में मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिंगली बेकैया, ऑप्शन नंबर डी भिखाजी कामा, ऑप्शन नंबर डी बदरुन तैयब जी, ऑप्शन नंबर डी तंदूरी प्रकाशम। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए पिंगली बेकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का था दोस्तों, हाल ही में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सेबेस्टियन बेटेल, ऑप्शन नंबर बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स लेक्लेयर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर हो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों, हाल ही में किसे इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए जॉर्डन हेंडरसन, ऑप्शन नंबर बी स्टुअर्ट वार्ड, ऑप्शन नंबर सी जिमी बॉडी, ऑप्शन नंबर सी लियोनर मेसी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जॉर्डन हेंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने ई रक्षाबंधन शुरू किया है।
ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टेन का था दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू कर रही है। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने दोस्तों इंदिरा रसोई योजना शुरू कर रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।